मध्य प्रदेश के अनूपपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार कार रेलवे फाटक तोड़कर ट्रेन में जा टकराई। इस भीषण हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना देर रात 12 बजे जिला मुख्यालय अनूपपुर से 7 किलोमीटर दूर बेलिया फाटक की है, जब एक तेज रफ्तार कार रेलवे फाटक तोड़ते हुए वहां से गुजर रही हीराकुंड एक्सप्रेस से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार चालक नरेंद्र वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका साथी परमेश्वर साहू घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। हादसे का शिकार दोनों शख्स हिंदुस्तान पावर जैथरी में कार्यरत थे। इधर हादसे के बाद ट्रेन को 7 घंटे अनूपपुर रेलवे जंक्शन पर खड़ा रखा गया। रविवार सुबह करीब 7:30 बजे ट्रेन को रवाना किया जा सका। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।